नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि हम जब फॉर्म भरते हैं, फॉर्म का प्रिंट आउट लेते हैं, तो प्रिंट आउट में सबसे नीचे ये लिख करके आता है कि योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग। अभ्यर्थी चिंतित है कि हमारा अगर प्रोसेसिंग में है तो फाइनली अप्रूव्ड कब होगा, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ये स्टेटस जो है क्यों बता रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ही आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये एक फॉर्म भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग। यहाँ पर फॉर्म सबमिशन की डेट और टाइम यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर्म को अपनी तरफ से प्रोसेस कर देते हैं, मतलब फॉर्म फाइनली सबमिट कर देते हैं, तो ये रिव्यू के लिए जाता है। ये चेयर बोर्ड जो है वो रिव्यू करता है। जैसे सपोज करो, आपने कई सारे फॉर्म भर दिए, एक ही विषय में आपने तीन चार फॉर्म भर दिए, तो जो पिछले फॉर्म है वो आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, जो अंतिम फॉर्म है आपका वो माना जाएगा। तो ये जो फॉर्म जितने भी लोग भर रहे हैं अभी, सबके फॉर्म में यही लिख करके आ रहा है, केवल आपके ही फॉर्म में लिख करके नहीं आ रहा है, सबके फॉर्म में लिख करके आ रहा है। तो इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको देख करके, ठीक है। ये सब में हो रहा है ऐसा। अब ये फॉर्म जब आपने फाइनल सबमिट कर दिया, तो चयन बोर्ड के पास या जो भर्ती जो एजेंसी करवा रही है उसके पास पूरा वहाँ पर रिकॉर्ड होता है कि कितने फॉर्म आए, किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म आए, तो वे फिर वहाँ पर वो रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद अगर किसी में कोई मिस्टेक होती है तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ त्रुटि होती है फोटो या साइन की या अन्य कोई मिस्टेक्स होते हैं तो उनको वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, बाकी सबको अप्रूव्ड कर देते हैं, ठीक है। अब जब भी फॉर्म अप्रूव्ड होगा तो उसका कोई मैसेज आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। यह मैं सोचना कि हमारे पास मैसेज आएगा अगर कोई फॉर्म, जब हमारा फॉर्म अप्रूव्ड होगा, ठीक है। अगर आपने फॉर्म पूरी तरीके से सही भरा है तो जाहिर सी बात है वो अप्रूव्ड हो जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर चयन बोर्ड को लगता है कि इसकी फ़ोटो सही नहीं है या साइन सही नहीं है या अन्य कोई चीज़ में दिक्कत है, तो फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर रिजेक्ट करते हैं तो फिर उसकी सूचना वो लोग वेबसाइट के माध्यम से या SMS के माध्यम से देते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं चयन बोर्ड में, जैसे लोक सेवा आयोग की बात करें तो वहाँ पर होता है कि अगर फोटो में त्रुटि है या साइन में त्रुटि है तो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, दोबारा से फोटो साइन अपलोड करने का मौका दिया जाता है। लेकिन चयन बोर्ड में ऐसा कुछ होता नहीं, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। ये सभी के फॉर्म में ऐसा आ रहा है और ये ऑटोमेटिकली ही अप्रूव्ड हो जाएगा। और जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो आप लोगों को उसका कोई नोटिफिकेशन वगैरह अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस आपका जब परीक्षा होगी उस टाइम आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसको देख करके आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है। ये सबके फॉर्म में आ रहा है। आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी, और जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के, उसका आंसर भी मिल गया होगा। धन्यवाद।